हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है। कॉलेजेस में एमफिल और पीएचडी में दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यूनिवर्सिटीज से इल्हाशुदा कॉलेजेस को दाखिलों से रोक दिया गया है। एचईसी एमफिल और पीएचडी डिग्रियों की तस्दीक नहीं करेगी। एचईसी कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक स्टूडेंट अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज से इल्हाशुदा कॉलेजेस को दाखिलों से रोक दिया गया है। कॉलेजेस में एमफिल और पीएचडी में दाखिलों पर अब पाबंदी लगा दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन का ये बड़ा फैसला सामने आया है। एचईसी एमफिल और पीएचडी डिग्री की तस्दीक नहीं करेगी। एचईसी कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक स्टूडेंट्स अलर्ट जारी कर दिया गया है। एचईसी एमफिल और पीएचडी डिग्री की तस्दीक अब नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी से इल्हाशुदा कॉलेजेस को दाखिलों से रोक दिया गया है। कॉलेजेस में एमफिल और पीएचडी में दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अकमल सोमरो से। जी अकमल सोमरो, बताइएगा क्या डिटेल्स है। जी, हायर एजुकेशन कमीशन ने बिल्कुल ये वाजे कर दिया है कि सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के साथ जो एफिलियेटेड कॉलेजेस हैं और इदारे हैं, वहाँ पर एमफिल और पीएचडी में दाखिले करने की इजाज़त नहीं होगी। और इन कॉलेजों में अगर एमफिल और पीएचडी में दाखिले हुए तो हायर एजुकेशन कमीशन के नज़दीक ये दाखिले गैर कानूनी होंगे। और कमीशन ने तलबा को तंबीह किया है कि वो एफिलिएटेड कॉलेजेस में एमफिल और पीएचडी के किसी भी प्रोग्राम में दाखिला हासिल करने से गुरेज करें। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन ने ये भी वादे कर दिया है कि अगर इन कॉलेजों में दाखिले हुए और दाखिले के बाद तलबा को डिग्रियां जारी की गई तो कमीशन इन डिग्रियों की तस्दीक नहीं करेगा। और यूनिवर्सिटियों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो नज़र रखें कि कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में दाखिलों के लिए इश्तिहार जारी ना करें। इश्तिहार जारी ना करें। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरो, आप हमें अपडेट कर रहे थे।